वो आपके YouTube के अपने एल्गोरिदम से चलते आप नहीं सेट करते बैठे रहो बैठे रो। <laughs> आप नहीं सेट करते so, किसी को शराब की एड आ रही है तो उसने दो पिछली जुमेरात को खरीदी थी शराब ओके okay? उसको के एफ सी आ रहा बार बार वो सी का रेगुलर कस्टमर है फिक्र ना करें जैसा यूट्यूब आ रहा हो बेटा सो so, ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तीसरी बात आई डू नॉट थिंक यू के एफ सी पे काम करने वाले रिस्क हराम कमार आई डू नाट आई डिट से आई से सब के सब मामले को पीछे हट जाओ इनके ऊपर प्रेशर आएगा इनके बॉटम लाइन जो है वो क्रैश बॉटम लाइन प्रॉफिट फाइनल स्टेटमेंट को बोलते हैं बॉटम लाइन क्रॉस महावरतन बोल रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट ओके आई नो अ बॉटम लाइन इज टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन जैसे ही बॉटम लाइन क्रैश करती है तो बिजनेस स्पेशली इस तरीके के जो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं दे आर वेरी पकुलर मलेशिया की केस स्टडी हमारे सामने है दे ब्लू आउट स्टार बक्स फ्रॉम द वॉर हमारा काम था हम डॉनल्ड के रीजनल प्रेजेंट बहुत अच्छी बहुत बड़ा फिगर आता है सीईओ की मीटिंग में डिस्कस हो जाती है सो मुस्लिम शुड डॉन दैट वन पॉइंट फाइव बिलियन कस्टमर्स गॉन कंपनी का तो दिवाली निकलना चाहिए मगर हमारे वन पॉइंट फाइव बिलियन कस्टमर्स ने स्ट्रेटेजिकली हिट किया नहीं इनको सो so, अगेन टॉपिक अंडरस्टैंड मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ किसने हाथ खड़ा करें छे हाथ मुझे नहीं पता किसके पास है माइक माइक पहले हाथ खड़ा करें आर ओ मिट्टा सैयद अहमद हसन शाह ये भी ना पुरानी एक हमारी मैं भी सैयद हूं नकवी so, uh, हूँ बट आई कीप टेलिंग एवरी वन मैं सही है तो पता क्या होता है वो है तो जो डॉक्टर साइमन ने किया था ना हमारे काम से पता चलना चाहिए कि यार ये तो कोई नबी के खानदान का बंदा लगता है समझ रहे हो तो नबी के खानदान का मतलब पता ना आपको और मुझे पता है कि किस लेवल की सेल्फ एस्टीम चाहिए कि मैं अपने ये बड़ों के प्रेशर की एक मिसाल दे दूं हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब एंट्री की थी ना मक्का से फा की तरफ याद रखिएगा तो हज के बाहर काबे के बाहर उनको कहा गया था अब हज नहीं कर इस नहीं मैं इस तरह से हज नहीं कर रहा बिकॉज हज करना इसकी अतात है बैत है और मैं इसकी बैत नहीं कर रहा हूँ सो so, जब वो निकले ना तो ही लुकडा एंड ही लुक बैक टू द एल्डर्स अपने अरब के एल्डर्स जितने भी कबीले के सदारों थे ही सेड कि आप लोग अपनी सिर्फ गैरत की वजह से मशहूर थे जहलिया के दौर में भी आपकी गैरत मशहूर थी और इस्लाम में आके आपने वो एक एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया जिसकी वजह से आप इनहेरेंटली मशहूर थे जो कि गैरत सो मैं आज आपको इस्लाम ने याद करा रहा चैलेंज चैलेंज मैं आपको क्या याद करा रहा हूं हूँ हिलफुलफूल हिलफुलफूल वो पैक था जो इन एल्डर्स ने किया था कि किसी भी एक विक्टम को बचाने के लिए हम सब जान की बाजी लगाया करेंगे किसी पर नाइंसाफी नहीं होने देंगे because you have left Islam. आपने अपना फलसा बदल लिया मगर अपनी फितरत तो नहीं बदल सकते थे तो जेनेटिकली आप गैरतमंद थे आपकी कल्चरल साइकोलॉजी में था जेनेटिकली नहीं कल्चरली सो so, समझ ना सो so, अब आ, इसको कनेक्ट कर दें कि जैसे ही आपको इस तरह का बच्चा, बच्चा मिले बच्चा क्यों कह रहा हूं इस तरह का जवान मिले जो स्ट्रे, स्ट्रेट मुंह पे करें स्ट्रेंग करें स्ट्रेंग को, कि सर आप पैसे कमा रहे हैं छोड़ देना है, क्योंकि आपको भी हल्का सा डर लगा था पता नहीं बदतमीजी में ना आ जाए बात लगा था हम तो बात दो आप तो ठीक है लोगों को लगता है आपको नहीं लगता डर बदतमीजी ना आ जाए मायूब ना लगे बात हर एक को लगता है मुझे तो लगता है भाई ठीक है मगर वो गलत डर रहा आपने सही एक्शन लिया है सवाल ही नहीं पूछेंगे तो चैलेंज कहां से करेंगे मुस्कुरा के आंखें मार के चैलेंज का मतलब ही अगले बंदे को आ, नो, नो नो अगले बंदे को आ, अपनी डिस्पोजिशन से हिलाना होता है जिसको कई जगहों के ऊपर असल में बदतमीजी नहीं होगी मगर इल्जाम लगेगा आपके ऊपर तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ध्यान से रखिएगा बदतमीजी करनी नहीं है बड़ों से कभी भी फिर कोई और ही दीन है हमारा जो बड़ों से बदतमीज़ी अलाउ कर रहा है तो इससे चैलेंज करना है सबको इफ यू आर डिसरिस्पेक्ट फुल्ड